अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मैं आज आपके लिए रमज़ान की बहुत ही ख़ास रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही आसान है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू, उनको मैश कर लिया था, और लिया था चिकन अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसको श्रेड कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/4 चाट मसाला, जो जिससे कि बहुत ही टेस्ट इसका अलग आएगा और थोड़ा मज़े का बन जाएगा। इसमें डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। अब हम सारी चीज़ें डाल ली हैं, अब हम मिक्सर को मिक्स करेंगे। हमने मिक्सर को मिक्स कर लिया, हमारा मिक्सर तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। आपने बॉल कुछ इस तरह से बना रहे हैं, अपने हाथ पे ऑयल लगा लेना है ताकि ये बॉल आपके हाथ पे ना चिपके। अगर आप चाहें तो इसमें इस मिक्सर में मायोनीज भी डाल सकते हैं जायके ज़्यादा टेस्ट के लिए ना। तो अब हमने लिया है 2 से 1 टेबल स्पून मैदा, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे वो मैदा अच्छे से बन जाए लिक्विड टाइप, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। आपने कुछ इस तरह से बनाना है। अब हम बॉल को लेके, यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया था, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम बॉल को लेके उस मैदे के मिक्सचर में ऐड डिप करेंगे। अपने ऑयल में डाल देंगे। कढ़ाई हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, हमने इसलिए इस कढ़ाई को इस तरह का रखा हुआ है ब्लैक, ताकि इसको नज़र ना लगे। इस तरह हम सारे हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्लैक ना कलर चेंज हो जाएगा, इस तरह का कलर होना चाहिए, सुनहरा सुनहरा। देखिए हमारे कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बॉल है, देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, क्रिस्पी बॉल है। अब हमने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं, जो बाकी के रह गए हैं वो हम बाद में तैयार करेंगे। आप इस तरह की टूथ पिक्स लेनी है, उनको बॉल के अंदर डाल देना है। इसी तरह सब बॉल्स में डाल लिया है और इसको हम एक डिश में डालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हम सारे बॉल रख लेंगे। हाँ, मैंने जो कहा था, अगर आप चाहें तो मायोनीज भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें इस देखिए हमने सेट कर लिया सारा, अपना बॉल सेट कर लिए अच्छे से। देखिए कितने माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। हम इसको कटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर से बने हैं। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन ग्रीन बने हैं, बहुत ही मज़े के। आप चाहे तो कुछ ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं और केचप के साथ भी खा सकते हैं, और आप मायोनीज के साथ भी खा सकते हैं, और मायोनीज अंदर भी डाल सकते हैं। इसी तरह हमारे बॉल्स तैयार हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस तरह से हमें हौसला अफजाई मिलती है। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।